अब वो भाजपा में चल गई है, तो चल गए तो संकट के समय में चल गया तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को तो नलिन को ही देना होगा ना, नलिन को ही देना, वो तो घर चढ़ के चला गया संकट के समय में। संकट के समय में, ऐसे समय में तो पास पड़ोसी अभी भी मदद करता है आदमी को। हाँ। और ये अपना घर नहीं संभल सका तो दूसरा को क्या संभालेगा? तो ये तो बड़े बड़े दावे करके आ रहे हैं। दावे तो कर भी करेगा ना वो लोग। सीता सोरेन कौन से पार्टी में जान रहे हैं? बीजेपी में। ये तो हम लोग को नहीं पता है, वो कहाँ गया नहीं गया। तो सीता सोरेन बोलता था हमको मुख्यमंत्री बनाइए, चंपाई को नहीं बनाए। अच्छा। इसलिए वो बीजेपी में चला गया। जोहार, ये दुमका लोकसभा का जामा विधानसभा चौक फुटानी चौक है। तस्वीरों में देख सकते हैं फुटानी चौक का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। ये झोपड़ी नुमा एक होटल है, यहाँ तमाम जनता बैठे हुए हैं। एक तारीख को यहाँ वोट है और कहा जाता है कि ये जो है शिबू सोरेन का गढ़ है और उन्हीं के परिवार से सीता सोरेन भी मैदान में है, जो भारतीय जनता पार्टी से है और एक जेएमएम इंडिया गठबंधन नलिन सोरेन के साथ साथ कई निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो मैदान में हैं। लेकिन रेस में अगर देखा जाए तो दो ही प्रत्याशी हैं, नलिन सोरेन सीता सोरेन। अब ये दोनों के बीच में जनता का क्या राय है, जनता क्या कुछ कहती है, इनके मन को थोड़ा सा हम जानते हैं, इसके मन को थोड़ा हम टटोलते हैं कि ये दुमका लोकसभा में किनके सर पे ताज पहनाना चाह रहे हैं लोग। सीधे तौर पे जनता से बात करते हैं, काफी तमाम लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया? अच्छा उधर इनका, आपका? अच्छा इनका नाम ये तो बताइए नहीं रहे। मेरा भाई बताइए। मुन्ना, मुन्ना। मेरा नाम सुरेश। सुरेश तो बताइए दुमका में इस बार किनको किनके सर पे ताज पहना रहे हैं? सीता सोरेन का। और आप? सीता सोरेन। कारण? कारण तो नहीं बता सके हैं, जान रहे हैं कि मतलब। अच्छा, ये जामा जो विधानसभा है, कहा जाता है कि यहाँ सीता सोरेन विधायक रही है। नहीं, वो सब हम लोग नहीं मालूम है। आपको पता है? ये सब मालूम है, वो रहना चाहिए। कौन? सीता सोरेन। मैंने यहाँ पहले विधायक थी ये विधानसभा से। बढ़िया है। कौन बढ़िया है? सीता सोरेन। कैसे बढ़िया है? हम लोग के लिए वो बढ़िया है। कैसे बढ़िया है बताइए? सब चीज हम लोग के लिए वो बढ़िया लग रहा है। अच्छा, कैसे? कोई चीज बताइए, एक दो चीज बताइए। कैसे वो मुख्यमंत्री बना? कौन मुख्यमंत्री बना? उसका ये है ना, क्या बोलता है, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, तो वही का कारण सर, वही लोग। सीता सोरेन, सीता सोरेन कौन से पार्टी में जान रहे हैं? बीजेपी में। ये तो हम लोग को नहीं पता है, वो कहाँ गया नहीं गया। बीजेपी में है भैया? बीजेपी में है। पहले तो वो नहीं था। हाँ, पहले नहीं थे। इधर आती थी घूमने? नहीं, इधर तो कभी एक बार आया था, ये जो 29 मार्च को। अच्छा, 29 मार्च उससे पहले नहीं आई है? नहीं, उससे पहले नहीं नहीं आई। तो क्या लगता है, सीता सोरेन जीतेगी इस बार? जीतेगा अब। हाँ, जीतेगा। चाहे हम क्या बोलेंगे, अभी तो बोल नहीं सकते, इतना पब्लिक का बीच में कौन किसको वोट देगा। हम तो सीता सोरेन को देंगे। आप सीता सोरेन, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फुलेश्वर मिर्धा। फुलेश्वर मिर्धा। मिर्धन। और भी तमाम जनता है, थोड़ा ये होटल वाले मालिक से भी पूछते हैं। यहाँ लोग आते हैं, इनसे काफी चर्चा लोग करते हैं, होटल पे काफी चर्चा होती है और ये सुनते भी हैं। ये चर्चा के बीच में क्या कुछ कहते हैं, थोड़ा इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ दादा? महालाल सोरेन। महालाल सोरेन। तो एक इधर सीता सोरेन मैदान में है, नलिन सोरेन मैदान में है, तो आपको क्या लगता है कि कौन है भारी यहाँ? नलिन सोरेन भारी है। नलिन सोरेन। हाँ। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ ये विधानसभा से जामा से सीता सोरेन विधायक रह चुकी है। कई बार रह चुकी है? तीन बार। तो क्या कुछ काम उसका नजर आया था? काम आया था हल्का फलका। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद क्या, वो तो यहाँ रहती थी, ज्यादा नहीं थी, नहीं फिर भी हम लोग जिताते थे उसको, क्योंकि क्योंकि गुरु जी का बड़ा बहू है, बड़ा बेटा का, गुरु जी के नाम से। हाँ, उसका नाम से दुर्गा सरन तो शहीद हो गया था, मतलब मर गया था, तो इसलिए इसको जिता रहे थे हम लोग।
अब वो भाजपा में चल गई है, तो चल गए तो संकट में समय में चल गया तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को तो ललिन को ही देना होगा ना, ललिन को ही देना, वो तो घर छोड़ के चला गया संकट के समय में, संकट के समय में। ऐसे समय में तो पास पड़ोसी अभी भी मदद करता है आदमी को। हाँ। और ये अपना घर नहीं संभल सका तो दूसरा को क्या संभालेगा? तो ये तो बड़े बड़े दावे करके आ रहे, दावे तो कर भी करेगा ना वो लोग। विधानसभा का कोई विकास, विधानसभा का विकास, जैसे विधानसभा का विकास हुआ है तब ना लोकसभा का होगा। हाँ, विकास तो हुआ है, सब नहीं हुआ है वो बात नहीं, हुआ है। हाँ, मोटा मोटी, मोटा मोटी हुआ है ना, गिन के नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि। अच्छा, क्या लगता है इस बार के जीतेगी विधान यहाँ लोकसभा में? हम लोग को तो ललिन को ही, नलिन ही लग रहा है। हाँ, लग रहा है नलिन सोरेन का ही जीतने की संभावना है। तमाम कुछ दीदी लोग है, थोड़ा इनसे भी हम राय लेते हैं। ये दीदी यहाँ शायद नाश्ता करने के लिए आई हुई है। आषाढ़ में देते हैं या फूल में देते हैं? आषाढ़। हाँ। अबर किसको दीजिएगा, आषाढ़ या फूल? अबे किसको दो, अबे हाँ के क्या दे दो? सीता, सीता सोरेन, नलिन सोरेन। तो नहीं केकरा दे भी, आषाढ़ में फूल में अबर? अच्छा दे वो तक नहीं, विक्रम दे वो आषाढ़ में है तो। हाँ, नाम केकर, नाम केकर तकनी दे वो हो देखें। खैर कंफ्यूज है जनता कि दोनों एक ही परिवार के हैं, हम दे तो किस में दें? बड़ा ध्यान से बाबा पेपर पढ़ रहे हैं। इधर देखिए एक स्मृति स्थल है शहीद का, हम थोड़ा बाबा से ही बैठ के चर्चा करते हैं। बाबा जोहार। की नाम हुआ आपका? मेरा, हाँ मेरा नूनीलाल सोरेन। नूनीलाल सोरेन, अच्छा बताइए यहाँ दुमका में अभी किनका पलड़ा भारी है? हम अभी पेपर ऊपर पढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है हाँ, अभी मोदी सरकार गिर गया प्लॉट के। गिर गया, गिर गया तो फिर उठेगा कौन? उठेगा राहुल, राहुल, राहुल नलिन सोरेन ललिन नहीं तो? केंद्रों में राहुल, राहुल, राहुल। हाँ। अच्छा तो यहाँ दुमका बाजार में किनको लग रहा है कौन जाएगा, किसका पलड़ा भारी है? किसका? नलिन सोरेन का है या सीता सोरेन का है? देखो हाँ। आपको यहाँ देखा देते हैं, ये कौन है? अच्छा। पहचानते हो? ये लिखा हुआ है शरीर को जेल में बंद कर सकते, कर सकते हैं, सोच को, सोच को नहीं, कल्पना, कल्पना। तो क्या लगता है आप कल्पना के साथ हैं? ललिन को दुमका से, नलिन को। हाँ। अच्छा आप बहुत ये हैं बूढ़े, बुजुर्ग हो चुके हैं, कितना उम्र होगी आपकी? हाँ हमारा हाँ 76 24 में चल रहा है। 24 में? हाँ। वाह 76, मैंने उस जमाने के पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं। आप बताइए यहाँ जो है शिबू सोरेन का आना जाना होता था? शिबू सोरेन का आना जाना यहाँ जब 1995 में जब दुर्गा सोरेन यहाँ जमा विधानसभा से खड़ा हुए थे तो हमारे यहाँ शाखा कार्यालय, हम उसका अध्यक्ष थे, शाखा कार्यालय का अध्यक्ष थे। अच्छा शिबू सोरेन के संघर्ष को आप देखे हैं, महाजन के खिलाफ जो चलते थे? तो उसके साथ तो हम देखो क्या किए, 1973 में दुमका आया। अच्छा दुमका, अच्छा ठीक, दुमका पहुंचा। हाँ। तो 1972 से उसके पीछे हम, उसके पीछे आप लग गए, काफी दिन रहे हैं उसके साथ। अच्छा जामा से यहाँ सीता सोरेन कई बार विधायक रह चुके हैं, तीन बार तो हम बनाए हम लोग के यहाँ जब JMM था तो अभी 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 निकल गया बचपा में, क्या बात है वो भी सुना देते हैं। चंपाए सोरेन को अभी हेमंत सोरेन जेल में गया इस्तीफा लिख के। हाँ सुन लीजिए, तो सीता सोरेन बोलता था हमको
मुख्यमंत्री बनाए, चंपाई को नहीं बनाए। अच्छा। इसलिए वो बीजेपी में चला गया। तो बीजेपी में क्या, बीजेपी वाले उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? वो देखो नहीं बनाएगा, लेकिन बाबूलाल बनेगा। बाबूलाल बनेगा, सत्ता में आएगा तो। अच्छा, तो आप अभी नेता तो किसको मानते हैं? हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को मानते, उसी को मानते हैं। और यहाँ क्या लगता है, जीत किनका होगा? जीत नलिन का होगा, नलिन सोरेन का ही होगा। नलिन सोरेन का जीत होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है उसी को ही ये नेता और उन्हीं को पार्टी मानते हैं बाबा। और बाबा का ये विचार है कि इस बार जो है कि दुमका में कौन आगे है और क्या दुमका में हो सकता है। अब एरिया घूमते हैं तो किसका झंडा लहरता है अधिक अधिक, किसका झंडा? देखिए हम तो कुछ नहीं कहेंगे बाबा, आप ही लोग बताइए। तो आपको पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, आप पूछ रहे, सही बात है। हम तो कुछ नहीं कहेंगे, आप ही बताइए। लहर रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। ये बात है, ये बात है ना। चलिए, शिबू सोरेन का कार्यकाल अच्छा रहा था यहाँ? शिबू सोरेन का कार्यकाल जब वो सांसद थे। तो ये तमाम चीजें जो है यहाँ फुटानी चौक से हम कुछ लोगों की राय को हम जानने का प्रयास किए, ये तस्वीर आपको दिखाने का हमने प्रयास किया कि फुटानी चौक की जनता क्या कुछ सोचती है नलिन सोरेन को लेके या सीता सोरेन को लेके, ये लोक दुमका लोकसभा को लेके। अब आपको क्या कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं दुमका में हूँ और दुमका की हर खबर को आप तक तो हम हमारा नाम भी ले लिया। हाँ, आपका तो नाम पूछे थे ना। हाँ, हाँ, नूनलाल सोरेन। हाँ, आपका नाम पूछे थे। हाँ, नूनलाल सोरेन। हाँ, ये नूनलाल सोरेन जी हैं जो गुरुजी के साथ 1972 के दशक में साथ में चल रहे हैं। तो 1973-72 का बात बोल दिए। हाँ, बोले हैं कि नहीं? चलिए ठीक है, फिर कभी हम जो है सो मिलेंगे और तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। बस ये वीडियोस को पूरे दुमका क्षेत्र में प्रदेश स्तर पे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे अगली कड़ी में। दीजिए पंकज को इजाजत। चौहान।